हटा कर बोतल पीने दे दारू दे दारू दे दारू ओ मेरे भैया दे दारू दे दारू दे दारू और मुंह से हटा कर बोतल पीने दे दारू बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू दे दारू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद हैं, इसलिए आम लोग जो शराब के शौकीन हैं वो तो परेशान ही हैं। उन्हीं के साथ कई नेता भी अलग अलग तर्क देकर मुख्यमंत्री से जल्द शराब की दुकानें खोलने की गुहार लगा रहे हैं। सोमरस के लिए एक हुए विरोधी, शराब की मांग में एक सुर बोले बीजेपी कांग्रेसी, कांग्रेसी बोले शराब से कोरोना वायरस होगा नष्ट, बीजेपी नेता भी कहां रहे पीछे। बीजेपी नेता राजावत बोले, सोमरस होता है दुष्ट नाशक, शराब का चस्का ऐसा है जिसे लग जाए वो ज्यादा दिन उससे दूर रह नहीं सकता। इन दिनों प्रदेश के कुछ नेता बिना शराब के कुछ ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी बिना मछली। चलिए आपको सुनाते हैं नेताजी के शराब के पक्ष में अलग अलग तर्क। कमाल की बात तो ये है कि शराब के लिए आवाज किसी एक पार्टी के नेता ने नहीं की, बल्कि अलग अलग पार्टियों के नेता एक साथ शराब के लिए आवाज उठाते नजर आए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि ये नेताजी कैसे शराब के लिए ललायत हो रहे हैं। राजस्थान के कोटा के सांगोत विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने पत्र में ये लिखा है कि लॉकडाउन में अवैध शराब का धंधा काफी बड़ा है। साथ ही विधायक साहब ने ये भी तर्क दिया है कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो जाता है तो शराब पीने से पीने वाले के गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि सतयुग में भी देवता सोमरस का पान करते थे, राजा महाराजा और योद्धा भी सेवन करने के बाद ही दुश्मन को परास्त कर पाते थे, इसलिए सरकार पुनर्विचार करे, ये वायरस को भी रोकेगा और सरकार को रुका हुआ करोड़ों का राजस्व भी अर्जित होगा। सिर्फ यही दो नेता नहीं हैं, बल्कि इससे पहले हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र से विधायक बलराम सिंह पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान उनसे शराब की दुकानें खोलने का आग्रह किया था। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो सही है, चाहे हर बात पर ये नेता आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन शराब ने इन्हें साथ ला दिया है।